दो किलो गोश्त में आधा किलो प्याज आधा किलो प्याज पहले गोश्त डाल दिया फिर प्याज डाली हमने सही है अभी ये टमाटर डाल टमाटर कितना डाला ये 3 पाउंड तो आधा किलो ये भी आधा किलो टमाटर ये 3 किलो पानी ये 3 किलो पानी डाला लहसुन कितना डाला कितना डाला आधा पाव आधा पाव तकरीबन अच्छा अब हम देख रहे हैं कि इसमें चीज़ें कुछ डाली जा रही हैं अब ये घी इसमें उठाई है और ये घी देखते हैं कितनी डालते हैं हम कितने किलो चावल बना रहे हैं बिरयानी है अभी ये 3.5 किलो चावल है जी 2 किलो गोश्त है इसमें हाँ और 2 किलो आलू है सही 3.5 किलो चावल सही अब ये घी डाली जा रही है आधा किलो घी डाल दो आधा किलो सही ये नमक सब जाएगा अभी ये लाल प्याज अब हम जो है ना गरम मसाले निकालने मसाले निकालने तमाम ये लाल मिर्च हल्दी जाएगा ये जितनी आपको डालनी है टेस्ट करना है टेस्ट करें हल्दी करना हल्दी हल्दी है ये भी अपने हिसाब से डालें ये धनिया है लौंग है ये लौंग में साफ से थोड़ी सी डालेंगे छोटी इलायची छोटी इलायची डालेंगे काली मिर्च साबुत काली मिर्च साबुत डालेंगे ये जीरा जीरा है दालचीनी ये दालचीनी ये बड़ी इलायची बड़ी इलायची और ये बादियान फूल ये आलू बुखारा अभी थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालें गरम मसाला पिसा हुआ पिसा हुआ सही अभी आपको 2 किलो गोश्त आधा किलो प्याज आधा किलो टमाटर और 1 पाव घी 3 किलो पानी बाकी हंस में जाएगा मसाला सही अदरक लहसुन आधा पाव ये आप डाल के अब इसके चूल्हा टेस्ट कर दोगे चूल्हा कब तक इसका करेंगे अभी करेंगे ना नहीं कब तक इसको पकाएंगे जब तक इसको जोश आ जाए जोश आने के बाद जोश आने के बाद इसको चूल्हा कम कर दोगे हल्की आंच पे गोश्त को पकने के लिए छोड़ दोगे सही सही जब गोश्त पक जाए तो फिर इसमें आलू वगैरह डालें फिर सही फिर आलू गल जाए तो फिर बाद में बताऊँगा